हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेफ्ट ओवर राइस या बोल सकते हैं रात के बासी चावल, इनका बहुत सी बार नाश्ता बनाया होगा, लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ आपको अलग ही स्टाइल में टमाटो राइस बनाना। तो उसके लिए यहाँ 2 चम्मच घी डालना है। मैंने यहाँ घी का यूज किया है, अगर घी नहीं हो तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 चम्मच घी अपना पिघल के रेडी हो चुका है, इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ी सी चना दाल, थोड़ी देर इनको ऐसे भुनेंगे तो हमारे राई, जीरा और दाल भुन के तैयार हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे 2 कटे हुए प्याज, प्याज को अच्छा बारीक काट के फिर लेंगे, इनको भुनेंगे हिलाते हुए। बहुत ही बढ़िया टेस्टी बने चावल के, तो जब भी रात के चावल बचे तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, बहुत ही बढ़िया टेस्टी एंड स्वादिष्ट लगे। मैंने पहली बार ही बनाए हैं। तो ये हमारे प्याज अच्छे से भून के रेडी हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे 2-3 इस तरह की कटी हुई हरी मिर्च, 2-3 कड़ी पत्ते भी डाले हैं मैंने, और डालेंगे इसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर को जितना बढ़िया बारीक काटोगे उतना ही अच्छा इनका टेस्ट आएगा। इनको अच्छे से भून लेंगे टमाटर को भी। आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अब इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक पहले ही डाल रहे हैं ताकि इससे टमाटर भी अच्छे से पक जाएंगे और सारी चीज़ों में अच्छे इनका टेस्ट भी आ जाएगा नमक का। थोड़ी देर ऐसे ही हिलाते हुए चलाएंगे। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हींग पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। 8 से 10 काजू, काजू हो तो ठीक, अगर नहीं हो तो आप इनको स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें डाल देंगे चावल, सारे चावल को इसमें डाल देंगे। मेरे पास जो भी चावल बचे थे सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्टी बने हैं कि अगर आपने जो एक बार इनको बना लिया इस तरह से तो आप बार बार इसी तरह बना के खाओगे। थोड़ा सपोर्ट भी कर दिया करो, कितनी मेहनत करते हैं। देखने में ही बढ़िया, एकदम खिले खिले और बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। थोड़ा डाल देंगे इसमें हरा धनिया, ये हमारे चावल एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो चुके हैं। मैंने इसको एक प्लेट में खाली कर लिया है, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में।